हेलो वियर्स, आज का सुविचार। हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर महकती खुशबू एक जादू जगाती है। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, हर सुबह अपनों की याद आ जाती है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जिंदगी में लोग हर वक्त सबक सिखाते गए, जिनको हम जितना खास करते गए उनके लिए हम उतने ही आम होते गए। जिम्मेदारियां या तो जिताती हैं या सिखाती हैं, हराती कभी नहीं। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इसी राह पर भीड़ कम होती है। उपलब्धियां और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेंगी तो निश्चय ही आपकी आलोचना भी बढ़ेगी। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस, खाली जेब। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकाता अवश्य है। अगर फितरत हमारी सहने की न होती तो हिम्मत तुम्हारी भी कुछ कहने की न होती। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। एक इंसान 2 चीजों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते रहते हैं। दुनिया में अपनी यादें छोड़ जाने का यही रास्ता है। या तो ऐसा लिखो कि लोग पढ़ते रह जाएं, या तो ऐसा जियो कि लोग लिखते रह जाएं। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। हमारी खुशी हमारी ही सोच और समझ का मामला है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, लेकिन संबंधों की दूरियों या नज़दीकियों का निर्धारण व्यवहार करता है। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता है। खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो हो अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज खुशियों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। मुंह पर कहना सीखो, पीछे तो हर कोई कहता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे नजर आते हैं वैसे ही अंदर से होते हैं। बड़ों की इज्जत इसलिए करो क्योंकि उनकी अच्छाइयां हमसे ज़्यादा हैं, और छोटों से प्यार इसलिए करो क्योंकि उनके गुनाह हमसे कम हैं। व्यूअर्स, मिलते हैं कल ऐसे ही एक सुविचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।